खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर अश्विनी कुमार के घर पर हंगामा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, आयकर विभाग की छापेमारी पर अश्विनी कुमार के घर हंगामा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कमलनाथ के करीबी हैं अश्विनी शर्मा। आयकर विभाग की छापेमारी कल रात से ही चल रही है अलग अलग ठिकानों पर, और आयकर विभाग की छापेमारी पर अश्विनी कुमार के घर किस तरह हंगामा हो रहा है आप देख सकते हैं। इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। कमलनाथ के करीबी हैं अश्विनी शर्मा, और आप देख सकते हैं जो झड़प हुई है वो पुलिस कर्मियों और सीआरपीएफ के बीच हुई है। अश्विनी शर्मा के घर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं बीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, सीआरपीएफ और पुलिस कर्मियों के बीच ये मुठभेड़, माफ कीजिएगा ये झड़प, आखिर क्यों? देखिए, पूरा मामला बहुत कुछ फिर वैसे ही टर्न लेता जा रहा है जैसा सारदा कांड में हुआ था पश्चिम बंगाल की पुलिस और सीबीआई के बीच। यहाँ भी यही मामला हो रहा है कि जो सीआरपीएफ है वो चाह रही है कि जो अश्विन शर्मा है उसको लेके दिल्ली ले जाया जाए, और मध्य प्रदेश की पुलिस उनको ले जाने नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं उनके पास गिरफ्तारी का अधिकार नहीं होता है, तो जब तक उनके पास गिरफ्तारी वारंट नहीं होगा तब तक अश्विन शर्मा को नहीं ले जाने देंगे। और चूंकि वहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स की टीम अपने साथ सीआरपीएफ को लेके आई है, केंद्रीय रिजर्व को लेके आई है, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के बल और पुलिस के बीच, यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस के बीच तनातनी चल रही है कि वो चाह रहे हैं कि इसको दिल्ली ले जाया जाए अश्विन जोशी को। और मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि अश्विन जोशी के परिवार वालों ने कहा है कि उसको किडनैप करके ले जाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वो उसको नहीं जाने दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर तनाव की स्थिति बनी हुई है सीआरपीएफ और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच में। बहुत कुछ वही स्थिति है कि जैसा संघीय ढांचे में जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच जो तनातनी होती है, ये कुछ इनकम टैक्स के साथ उसी अंदाज में टर्न होते जा रहे हैं। और दोनों जो एक केंद्रीय संस्थान है और एक राज्य स्तरीय संस्थान है, दोनों भी तनातनी चल रही है। मध्य प्रदेश पुलिस और सरकार को लग रहा है कि यदि अश्विन जोशी, अश्विन शर्मा को दिल्ली ले जाया गया तो उसके बाद वहाँ उनको कुछ वो जो कुछ बयान देगा उसके आधार पर मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, या कुछ जो जो जिन लोगों पर छापे पड़े हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ के जो सहयोगी हैं मिगलानी और कक्कड़, इनके खिलाफ वो बयान दे सकता है। तो इसी वजह से उसको दिल्ली ले जाने से रोका जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस अड़ गई है कि हम इसको दिल्ली ले जाने नहीं देंगे, जो पूछताछ करनी है आप पूछताछ यही करिए, क्योंकि उनका मानना है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं उनके पास गिरफ्तारी का की ताकत नहीं होती, गिरफ्तारी के राइट नहीं होते हैं। इस वजह से दोनों के बीच तनातनी चल रही है। थोड़ी देर पहले झुमझ अटकी हुई है और अब से दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। ब्रजेश, क्या वैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई आपको नजर आ रही है जैसे कि हमने पश्चिम बंगाल में देखी थी, जब पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर को सीबीआई की टीम पकड़ने गई थी? बिल्कुल 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 वही स्थिति बन गई है कि एक तरफ केंद्रीय पुलिस बल है जिसका कहना है कि हमें जो आदमी पकड़ाया है जिसपे छापे पड़े हैं उसको दिल्ली ले जाएंगे, और हमारा जो मध्य प्रदेश की राज्य पुलिस है वो कह रही है कि इसको दिल्ली ले जाने नहीं देंगे, क्योंकि परिवार के लोगों का आरोप है कि उसको किडनैप करके ले जाया जा रहा है, अपहरण करके ले जा रहा है। तो यदि आप गिरफ्तारी वारंट दिखाइए और तमाम कागजात दिखाइए उसके बाद ले जाने की परमिशन मिलेगी। मतलब जी ब्रजेश, सवाल ये है कि क्या पुलिस के पास वारंट नहीं है? किसी में घुसना चाहती है और तो उसको अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो एक बड़े तनाव की स्थिति लंबे समय से बनी है, थोड़ी देर पहले आपस में झुमा झटकी हुई थी, एक दूसरे को धक्के मारे थे सीआरपीएफ और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच में। तो अभी भी तनाव बना हुआ, पूरी वजह वही है कि उसको अश्विन शर्मा है जिसने बीजेपी न्यूज से बात करते हुए कहा था कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मैं किसी कांग्रेस का आदमी, बीजेपी का आदमी हूँ, उसको ये इनकम टैक्स ऑफिसर दिल्ली ले जाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस उसको ले जाने से रोक रही है। और ये बड़े तनाव की स्थिति बड़ी देर से बनी हुई है जिसका जो बहुत बुरी तरह थोड़ी देर पहले हुआ था, मगर कुल मिला के तनाव है। मध्य प्रदेश पुलिस पूरी उस बिल्डिंग के आसपास बड़े पैमाने पर फोर्स सप्लाई कर दी गई है कि उसको किसी तरह ले जाने नहीं देंगे। तो फिलहाल तनाव चल रहा है, तनातनी चल रही है, दोनों ऑफिसर्स के, दोनों जो बल है दोनों के ऑफिसर्स से बातचीत हो रही है जी। लेकिन ब्रजेश, मेरा सवाल ये है कि क्या उनको दिल्ली ले जाने के लिए किसी तरह का वारंट है वहाँ पर अधिकारियों के पास जो पहुंचे हैं वहाँ पर? अभी अभी
जो मध्य प्रदेश पुलिस का ऑफिसर्स है उनका कहना है कि जो आयकर विभाग होते हैं ये सीबीआई की टीम से नहीं है, इनकम टैक्स के घर पे है, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स के पास गिरफ्तारी के कोई अधिकार नहीं होते, गिरफ्तारी के राइट नहीं होते, तो इसलिए इस आदमी को अश्विनी शर्मा को गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, उसको नहीं ले जा सकते, इसी बात पर तनातनी चल रही है। इनकम यदि सीबीआई वहाँ तो पश्चिम बंगाल में सीबीआई और राज्य पुलिस के बीच टकराव हुआ था, मगर यहाँ पे इनकम टैक्स जो केंद्रीय एजेंसी है उसके बीच और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच टकराव चल रहा है। पुलिस का कहना है कि इनकम टैक्स जांच करे, कागजात इकट्ठे करे और कागज ले जाए, मगर किसी व्यक्ति को ले जा नहीं सकते क्योंकि उसके परिवार के लोगों का आरोप है कि दिल्ली से लोग आए हैं और उसको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, जबकि उनके पास गिरफ्तारी का कोई राइट नहीं है। ये तनातनी फिलहाल चल रही है। चलिए, हमें रेट से कोई लेना देना नहीं है, जो लोग बीमार हैं उनको तो निकलने दे बाहर, पूरा कॉम्प्लेक्स ही बंद कर दिया आपने, आप घर बंद कर दीजिए ना उसका, नहीं दे रहे, यहाँ का लोकल SHO उसको भी रोक दिया, उस पर बातचीत चल रही है। सर, एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें लोग परेशान हो रहे हैं, वो लोकल SHO को फोन कर रहे हैं कि उनको मदद चाहिए, उनको बाहर जाना, उनके बच्चे परेशान हैं, उसके लिए बात करें। पिछले 12 घंटे से किसी को नहीं जाने दे रहे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल में आयकर विभाग का छापा पड़ा है अश्विन शर्मा के घर, उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी है और उसी को लेकर ये तनातनी CRPF और राज्य की पुलिस के बीच। आप देख सकते हैं किस तरह आमने सामने मध्य प्रदेश पुलिस और CRPF के जवान, अश्विन शर्मा को दिल्ली लाने की तैयारी है और भोपाल में किस तरह ये गतिरोध उनके घर पर चल रहा है आप देख सकते हैं, हंगामा हो रहा है वहां पर, IT विभाग की रेड्स कमलनाथ के करीबियों के अलग अलग ठिकानों पर पड़ी है, अश्विन कुमार के यहाँ छापेमारी हुई, उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी हो रही है और CRPF और मध्य प्रदेश पुलिस उसी को लेकर आमने सामने।